एक तरफ योगी सरकार किसानों की समस्या को लेकर बड़े वादे और दावे करती है, तो वहीं जनपद शामली में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उनकी ना तो सरकार सुनती है और ना ही अधिकारी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के गांव खोड़समा का है, जहां विनोद नाम के व्यक्ति से गांव के ही शमशाद और संजय कुमार ने अपने दो अन्य साथियों के साथ 270 बीघा जमीन को बोने के लिए 18,30,000 रुपए में एक वर्ष के लिए ठेके पर ली थी, जिसके पैसे 10,00,000 रुपए पहले देने थे और बाकी 8,30,000 रुपए फसल काटने के बाद देने थे। ठेके पर जमीन लेने वाले ठेकेदारों का आरोप है कि विनोद से उसने 270 बीघा जमीन 18,30,000 रुपए में ली थी, जिसके पैसे उन्हें दो किस्तों में देने थे, 10,00,000 एडवांस और बाकी के बचे फसल काटने के बाद। 10,00,000 पहले दे दिए, अब जब वो जमीन को बोने लगा तो जमीन मालिक कहता है कि खेत के बाहर चले जाओ या पूरे पैसे दे दो। क्या नाम तुम्हारा? शमशाद अली। ये चुंगी मार तेरी दी है, क्या मामला है पूरा? जमीन का विवाद है, ये हमने जमीन ली थी। अच्छा, विनोद से सनोपुतन का, और उससे जमीन ली थी हमने। 180 बीघा चक एक था, 90 बीघा चक एक था, तो पांच आदमी ने वो 180 बीघा वाले जो था और 90 बीघे जो था वो 3 आदमियों ने लिया था। तो दोनों ने इकट्ठी जमीन ली थी हमने, वो तय करके गांव में बैठ के और बात होगी, और बात होने के बाद में 180 बीघे के तो हमने 6,00,000 रुपये दे दिए उसे नकद, और जी उसके 4,00,000 रुपये दे दिए हमने। और सारी मतलब आदमियों में बैठ के बात होगी, भाई एक साल में के लिए ठेके पर ली थी हमने, और उसमें ये होगा भाई धान कटने के बाद में बाकी जो तेरा पेमेंट रहेगा वो हम धान कटने के बाद दे देंगे। उसे विनोद से। अच्छा, तो विनोद की अब नियत में आ गई खराबी, हमने वो खेत बहा भी दिया, सब कुछ हो गया, बोधी बोधी हमने अपनी, लेकिन अब जब वो नुकरा कहने हमें मुझे पैसे सारे चाहो, अगर पैसे सारे नहीं देते तो खेत में तो बाहर निकलो, और मैं तुम्हें जो है जमीन देता बिल्कुल भी, मैं तो ट्रैक्टर में हम तो ट्रैक्टर वहाँ से हटा के ले गए, ट्रैक्टर में आग लगा देते, क्योंकि 4-5 आदमी आ गए और हमारे साथ में हत्था पाई और गाली गलौज दुनिया भर का, और कहने लगे हम गोली काट देंगे, बीच में ये कर देंगे, तुम्हारे वो कर देंगे, और हमने तो फिर मजबूरन हमने 100 नंबर पर फोन किया, और 100 नंबर पर फोन करके फिर वो पुलिस आई, जब अब जो है हम सब उसकी समस्या बताई करके मामला है, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो और तहरीर दो हमारी, तो अब जो है हम तहरीर देने के लिए हम चौकी पाई। अच्छा, ये मामला हमारा जमीन का, ये तो हमें जमीन ठेके पर दी जाओ, ये हमें और पैसे दिए जाए बस, और इस फालतू और को हम विवाद चाहते भी नहीं। कितने जमीन ले रखी ठेके? हमने 180 बीघा का चक एक है और 90 बीघा का चक एक है। कितना? 270 बीघे करीब बैठे हैं सर। कितने रुपए में? ये जो है हमने 12,00,000 में एक है और जी 6,30,000 में कुछ है। अच्छा, तो ये जमीन हमने जैसे ठेके पर ली थी साल के लिए, तो एक साल में दो दफे पैसे देने थे, दो दफे, एक हमने जो अब दिए थे पैसे जो उसे, अब बाकी मुंजी की फसल काट के और बाकी उसका पेमेंट करना था सारा। कितना पैसे दे रखे आपने? 6 और 4, 10,00,000 रुपये हमने इकट्ठे दे रखे हैं, और बाकी कितने दे रहे? अब उसके जो है आधे पैसे दिए हमने, 12,00,000 में तो वो थी, और ये 8,30 उसके रहे।